दोस्तों, हम आपको आज इस खबर में बाकी और खबरों से कुछ अलग और खास बताने जा रहे हैं। दौलत और शोहरत की चाहत तो हर किसी को होती है। जिसके पास ये दोनों चीजें होती हैं, वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर ही लेता है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि 36 साल के हैं, वो दुनिया के सबसे महंगे घर के मालिक बन गए हैं। बता दें कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने काफी खुफिया तरीके से इस फ्रेंच महल को $300 मिलियन, जिसको अगर हम भारतीय मुद्रा में तब्दील करें तो ये तकरीबन 2000 करोड़ रुपए होगा। हम आपको ये भी बता दें कि ये महल इतना ज्यादा खूबसूरत और आलिशान है कि बस आप इसे देखते ही रह जाएंगे। ये महल फ्रांस के शहर वर्सेलिस के पास बना हुआ है। ये महल जितना आलिशान है, उतनी ही इसमें खूबियाँ भी हैं। आपको बता दें कि इस महल की सबसे खास बात ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से इस महल में लगे लाइट्स, फाउंटेन, साउंड, हवा को सिर्फ एक आईफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। बता दें कि इस महल को अहमद खसोगी ने बनाया है। इस महल में अंडरग्राउंड नाइट क्लब, बड़ा सा वॉल रूम, स्क्वैश कोर्ट, होम थिएटर, बड़ी सी भित्ति, चित्रों वाली छत, रंगीन मछलियों से भरा हुआ अंडर वाटर व्यूइंग टैंक भी मौजूद है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का महल होने से पहले भी ये महल आलिशान होने का सबूत दे चुका है। इस महल को फ्रांस पर 70 सालों तक राज करने वाले लुईस 14 के नाम पर बनाया गया है। हम आपको बता दें कि इस महल का निर्माण सन 2011 में पूरा हुआ था। इस महल में 17वीं सदी की नक्काशी भी बनाई गई है। आपको बता दें कि ये महल जो कि फ्रांस में है, ये 2015 में बिक गया था, लेकिन अब गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इस महल के मालिक अब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। हम आपको बता दें कि जिस समय ये महल बिका था, तब ये दुनिया का सबसे महंगा महल था। तो दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस आलिशान महल के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारे ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।